फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन आज़ाद इम्प्रेशन। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए और आपके रिक्वेस्ट के लिए। जी हाँ, आपके रिक्वेस्ट के लिए। आप बहुत बार मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं आपके साथ मधुबनी पेंटिंग को शेयर करूँ, जिसमें राधा कृष्ण की पेंटिंग मैं तैयार करूँ। तो मैं आज राधा कृष्ण की पेंटिंग आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैं A3 साइज में एक पेंटिंग शेयर कर रही हूँ, जो राधा कृष्ण की पेंटिंग है। ये बहुत ही इजी पेंटिंग है। मैंने ये ध्यान रखा है कि आप इस पेंटिंग को तैयार करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए इस पेंटिंग को मैंने दो पार्ट में रखा है, दो वीडियो रखा है। एक पहली वीडियो में मैंने ड्राइंग पार्ट को रखा है, दूसरी वीडियो में मैंने कलरिंग पार्ट को रखा है। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो आपका उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ट्यूटोरियल। यहाँ मैंने लिया है 200 GSM की सीट, जिसका साइज़ है A3। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सीट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 150 GSM से ऊपर की सीट लें। अब यहाँ पे मैं यहाँ बॉर्डर लाइन तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग में बॉर्डर तैयार की जाती है, इसलिए बॉर्डर तैयार करने के लिए मैं यहाँ बॉर्डर लाइन तैयार कर रही हूँ। यहाँ मेरी बॉर्डर लाइन तैयार हो गई है। अब मैं इसे डबल लाइन से कंप्लीट करूँगी। जैसा कि आप जानते हैं, मधुबनी पेंटिंग में डबल लाइन देना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए बॉर्डर पे भी डबल लाइन मैंने दे दिया। अब मैं पैटर्न ड्रॉ करूँगी, बॉर्डर के पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ वेव पैटर्न लिया है। अगर आपको वेव पैटर्न बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप पहले पेंसिल से ड्रॉ कर ले, उसके बाद जेल पेन या सीडी मार्कर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने पैटर्न तैयार कर दिया है, अब इसे डबल लाइन से कंप्लीट करूँगी। डबल लाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं अलग अलग पैटर्न ड्रॉ करूँगी। मैं फ्लावर्स की कुछ पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ वेब पैटर्न के अंदर। जो मैंने फ्लावर पैटर्न डाला है उसे मैं फाइन लाइन से कंप्लीट कर रही हूँ। फाइन लाइन से कंप्लीट करने के बाद ये बहुत सुंदर लगने लगी है। इसी तरह मैं पैटर्न ड्रॉ कर लूँगी दूसरे साइड। थोड़ा अलग पैटर्न डालेंगे, यहाँ पे फ्लावर के अलग पैटर्न में डाल रही हूँ और अंदर के साइड में चेक पैटर्न्स डाल रही हूँ, जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। इसी तरह दोनों साइड में इसी टाइप के पैटर्न डाल के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये पैटर्न ड्रॉ होने के बाद बहुत सुंदर लगने लगा है। ये बॉर्डर बहुत अच्छी आई है। अब मैं राधा कृष्ण की पेंटिंग के लिए यहाँ मैंने एक रफ पेपर लिया है और स्केल और पेंसिल की सहायता से सबसे पहले राधा और कृष्ण की फेस ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। बहुत इजी टेक्निक है ये ड्रॉ करने का। सबसे पहला मैं दो स्लाइटिंग लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जिसका डिस्टेंस अंदर का है लगभग 1 इंच का, और एक एच का शेप बना दिया।
अब राधा जी की फेस मैं ड्रॉ करूँगी। सबसे पहले उसके लिए मैं एक एल शेप लूँगी जो स्लाइटिंग लाइन की सहायता से चलेगा। ये मैं एल शेप बना देती हूँ। पहले ये थोड़ा स्लाइटिंग लाइन से थोड़ा सा ऊपर जाएगा और एक नोज़ के जैसा शेप दे दिया। उसके बाद एक छोटा सा सी, फिर दूसरा छोटा सा सी और थर्ड में जैसे हम लोग राइट करते हैं उस टाइप का शेप देने के बाद ऊपर से मैं उल्टा एफ बना के एक उल्टा सी बना दूंगी, जिससे राधा जी का फेस लगभग तैयार हो जाता है। ये काफ़ी हेल्प करता है। इस टाइप के फेस अगर ड्रॉ करने हैं, दो फेस ड्रॉ करने हैं तो दोनों का डिस्टेंस मेंटेन रहे, इसलिए ये एच का शेप काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप एच की सहायता से फेस ड्रॉ करना सीख सकते हैं। तो वाली पेंटिंग में आंखें काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए मैंने आंखें बड़ी दी हैं। अब हम लोग कृष्ण जी की पेंटिंग बनाने के लिए, कृष्ण जी का फेस ड्रॉ करने के लिए राधा जी के नोज़ से थोड़ा सा ऊपर नोज़ ड्रॉ करेंगे, जिससे जो कृष्ण जी का फेस है वो थोड़ा ऊपर नज़र आए। अब मैं उल्टा एल बना रही हूँ और नोज़ का शेप दे रही हूँ, जिससे ऐसा लगे कि राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं। उसके बाद मैं उल्टा सी बना दूंगी, अगेन उल्टा सी बनाऊंगी और फिर से एक सी जो चिन का वर्क करेगा, इसलिए थोड़ा सा उसे ज़्यादा खींच दिया। अब हेड के पास हम लोग चलते हैं। हेड के पास थोड़ा कर्व देते हुए मैं हेड बनाती हूँ। उसके बाद कानों में कुंडल। ये चूँकि रफ स्केच है इसलिए मैं बस रफ ड्रॉ कर रही हूँ, बस आप लोग को समझ में आ जाए। उसके बाद हम लोग फेयर करेंगे, तो थोड़ा बहुत जो भी करेक्शन है मैं इसमें पहले कर लेती हूँ। अब हम लोग आँखें बनाएंगे। कृष्ण जी की आँखें काफ़ी मोहक होती है, इसलिए थोड़ी बड़ी आँखें हम लोग बनाएंगे। ये देखिए मैंने कृष्ण जी की आँखें भी बना दी और अब थोड़ा मुकुट पे वर्क कर लेते हैं। थोड़ा मुकुट, ये भी रफ स्केच है और फाइनल ड्रॉ मैं आपके सामने ही करूँगी। यहाँ मैंने रफ स्केच तैयार कर लिया है। उम्मीद करती हूँ ये आपको मेथड समझ में आया होगा। अब मैं मेन स्केच तैयार करने के लिए मैंने सेम मेथड लिया है। साइड में मैंने रेफरेंस पे पिक्चर भी डाल दिया है, जिससे आपको दोबारा जब ये पिक्चर ड्रॉ करे तो आपको सुविधा हो। तो मैं सेम वैसे ही पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। मैं आगे किसी ट्यूटोरियल में आपको पूरी बॉडी स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है मधुबनी पेंटिंग में, वो भी करके दिखाऊँगी। मधुबनी पेंटिंग की खासियत होती है कि ये पूरी तरह से परफेक्शन के साथ तैयार नहीं होता है। अगर आप पेंटिंग तैयार कर रहे हैं और बल्कि बॉडी बन रही है या फेस अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो इससे आप बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि ये मधुबनी पेंटिंग एक फोक आर्ट है और फोक आर्ट जनरली गांव के लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिन्हें अच्छे से पेंटिंग तैयार करना नहीं आता, लेकिन उन्हें उनकी थीम क्लियर होती है कि वो अपना मैसेज पेंटिंग के थ्रू क्या देना चाहते हैं। इसलिए आप, उम्मीद करती हूँ जब आप बिगनर्स इस पेंटिंग को तैयार करेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि आपकी पेंटिंग कितनी अच्छी बन रही है या नहीं, लेकिन आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं, आप क्या दर्शाना चाहते हैं, वो क्लियर होना चाहिए। बस आप अपनी इमेजिनेशन को क्लियर कीजिए तो मधुबनी पेंटिंग की खूबसूरती और भी बढ़ती जाती है। मैं यहाँ पे बस रफ स्केच की तरह ही ड्रॉ किया है, जिससे आपको, आप जब भी पेंटिंग तैयार करें तो आप इस पेंटिंग को बहुत इजी तरीके से बना सकें। बस जब भी पिक्चर ड्रॉ करें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि डबल लाइन देना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि ये मधुबनी पेंटिंग की खासियत होती है। मैंने पहले भी बताया था कि मधुबनी पेंटिंग की कुछ खास बातें होती हैं जिसे हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए जब भी हम मधुबनी पेंटिंग पर वर्क करते हैं।
इस तरह मेरी राधा कृष्ण की ड्राइंग लगभग तैयार हो गई। अब मैं पैर के साइड उनके वस्त्र को बनाते हुए मैं पाँव को बना रही हूँ, जो बहुत ही इजी है बनाना। जैसा कि आपको पता ही है कि मधुबनी पेंटिंग में ज़्यादातर पेंटिंग भगवान से रिलेटेड होती है, राधा कृष्ण, राम, सीता और नेचर से रिलेटेड होती है, जैसे पशु पक्षी वगैरह की पेंटिंग तैयार की जाती है। तो इसलिए मैंने आज ये राधा कृष्ण की पेंटिंग तैयार कर रही हूँ। राधा कृष्ण की ड्राइंग कंप्लीट हो जाने के बाद बैकग्राउंड पे वर्क करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बहुत सारी लीफ बना रही हूँ, बहुत सारी ब्रांचेस बना रही हूँ, जिससे बैकग्राउंड पूरी तरह से फिल हो जाए। अब इसे मैं सीडी मार्कर से ओवरराइट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने सीडी मार्कर लिया, इसे ओवरराइट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ओवरराइट कर दिया और ओवरराइट करने के बाद ये बहुत सुंदर लगने लगी है। कुछ डबल लाइनिंग रह गई है, जिसे मैं फाइन लाइन से फिल करूँगी। इसके लिए मैं यहाँ पे पतले नीब वाले जेल पेन का यूज़ करूँगी, जिससे मुझे छोटी छोटी लाइन, पतली पतली लाइन मिल जाए। इसलिए यहाँ पे मैं जेल पेन का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग सीडी मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। फाइन लाइन ड्रॉ करने के बाद ये बहुत सुंदर लगने लगती है पेंटिंग। जब इसके बाद जब इस पर कलर किया जाएगा तो ये फाइन लाइंस उभर के दिखती हैं, जो दूर से ही बहुत ही सुंदर लगने लगती है। फाइन लाइंस कंप्लीट हो जाने के बाद मैं राधा कृष्ण की ड्रेस पे वर्क करूँगी। इस पर मैं कुछ फ्लावर्स के मोटिव, छोटी छोटी मोटिव बना रही हूँ, जिससे राधा जी की ड्रेस को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लिया जाए। इसी तरह मैं कुछ फाइन लाइंस भी ड्रॉ करूँगी राधा जी के ड्रेस को डेकोरेट करने के लिए। चलिए इसी तरह पैटर्न्स ड्रॉ करके राधा कृष्ण के ड्रेस को तैयार करते हैं। राधा कृष्ण के वस्त्र तैयार हो जाने के बाद बहुत सुंदर लगने लगे हैं। अब मैं यहाँ पे एक गाय की पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। आप अक्सर देखते होंगे कि राधा जी के साथ, राधा कृष्ण के साथ एक गाय ज़रूर होती है, क्योंकि अक्सर माना जाता है कि भगवान कृष्ण गाय को चराने के लिए वन में या जंगल में जाया करते थे और वहाँ उनकी रासलीला होती थी। तो मैं यहाँ पे यही दर्शाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एक गाय का पिक्चर ड्रॉ कर लिया है।
अब गाय के साथ साथ एक पीकॉक का पिक्चर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, जो कृष्ण जी के सर पे मोर के पंख होते हैं और उपवन में अक्सर मोर पाए जाते हैं, इसलिए इसी दर्शाने के लिए मैं बैकग्राउंड में एक मोर जो ब्रांचेस के ऊपर बैठे हैं वो दर्शाने की कोशिश कर रही हूँ। मधुबनी पेंटिंग की खासियत ये भी होती है कि इस पेंटिंग में कोई भी बैकग्राउंड या कोई भी जगह वो खाली नहीं होती है, इसलिए यहाँ बहुत ज़रूरी होता है कि बैकग्राउंड को पूरी तरह से भर दिया जाए। इसलिए मैं यहाँ पे बड़ी सी ट्री बना रही हूँ। इससे पहले मैंने ब्रांचेस सिर्फ बनाए थे तो मुझे लगा कि नहीं, उससे पूरी बैकग्राउंड फिल नहीं होगी, इसलिए मैं यहाँ पे एक ट्री की पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ और बहुत सारी ब्रांचेस बना रही हूँ जिसमें बहुत सारी पत्तियाँ होंगी। इसलिए सीडी मार्कर से मैंने इसे ड्रॉ करके दिखाया जो बहुत सुंदर लगने लगी और पूरी पूरी भरी भरी लग रही है। अब ट्री को थोड़ा डेकोरेट करने के लिए कुछ पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ ट्री के तने में और इसे सुंदर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मधुबनी पेंटिंग की ये खासियत होती है कि जो भी मोटिव दिए जाए, चाहे वो ट्री हो, बर्ड, एनिमल्स, जो भी मोटिव तैयार किए जाते हैं उन्हें अलग अलग पैटर्न से सजाया जाता है। मैं बस वही कर रही हूँ यहाँ पे, मैं ट्री के ब्रांचेस को डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। इसी तरह मैं मोर को और गाय को भी डेकोरेट करूँगी। ब्रांचेस डेकोरेट हो जाने के बाद बहुत सुंदर लगने लगे हैं। अब मैं यहाँ पे बहुत सारी लीव ड्रॉ कर लेती हूँ जिससे मेरी बैकग्राउंड पूरी तरह से फिल हो जाए। बैकग्राउंड फिल हो जाने के बाद मैं यहाँ पे मोर को भी डेकोरेट कर देती हूँ और उसके बाद फिर नीचे के साइड में कुछ ग्रास बना देती हूँ, कुछ पैटर्न से डेकोरेट कर देती हूँ जिससे ये पेंटिंग बहुत सुंदर लगने लगे। ड्राइंग लगभग तैयार हो चुकी है, कुछ पैटर्न्स बच गए हैं तो मैं उसे भी ड्रॉ कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप इसे इसका कलरिंग पार्ट देख सकते हैं, क्योंकि इसकी खूबसूरती कलर करने के बाद और भी आ जाएगी। राधा कृष्ण की ड्राइंग तैयार हो जाने के बाद बहुत सुंदर लगने लगी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कलरिंग पार्ट दिखाऊंगी, तो आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।